अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आफताब अहमद और आप देख रहे हैं फ़याम टीवी। फ़याम टीवी में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूं एनरन का ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर का, जो 10.2 किलोवाट है। उसका मुकम्मल डेटा आपके साथ शेयर करूँगा और उसका कीमत भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसका क्या कीमत है। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो अवेलेबल भी होंगे और उसके साथ ही आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में अपने कीमती मशवरों से भी हमें आगाह कर लिया करें। तो अभी काफ़ी अरसे से माल की शॉर्टेज चल रहा है, सीज़न में अक्सर ये होता रहता है, लेकिन इस साल थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो ये दिक्कत तो होती है। और इसके अलावा हमारे पास स्टॉक में 3.5 किलोवाट पड़े हुए 6.2 है। तो माल इस तरह होता है कि कभी आप लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं वो सेल हो चुके होते हैं, तो ये चल रहा होता है क्योंकि ज़्यादातर दुकानदारों के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, तो उनको ज़रूरत होता है बहुत से जगह पर सेल करने के लिए। तो अभी मैं इसका रिव्यू भी दूंगा और उसका जो है कीमत भी आपको बताऊँगा, साथ में जो है आने वाले जो माल है 10.2 सनानिको का वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, उसका भी कीमत बताऊँगा। अभी मैं खोलने जा रहा हूँ एनरन 10.2। तो दोस्तों इसके साथ गाइड होता है और साथ में जो है ये कनेक्टर भी होते हैं, और उसके अलावा जो है इसमें एंटी डस्ट किट लगा हुआ है और साथ में डबल आउटपुट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो है मेन आउटपुट है और एक सेकेंड आउटपुट है, और साथ में जो है उसका इन है और इधर सोलर के तार लगते हैं, और साथ में इसका जो है पीवी कवर लगा हुआ है। यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए लगाया है, यहाँ पे इसी तरह के कनेक्टर लगे हुए हैं, आप उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। इसका डबल MPPT है तो डबल तार इसके पास आएंगे। तो ये ईवो मॉडल है, एनरन का ईवो मॉडल है और इसका बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है, और साथ में इसका वाईफाई ऑप्शन है, और यहाँ पर जो है आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हो ग्रीन मीटर के साथ, और ये उसका डस्ट किट है। यहाँ पे टच बटन इसके लगे हुए हैं, 4 बटन सेटिंग के लिए। ये वो 10,200 इसका नाम है और ये फुली हाइब्रिड इन्वर्टर है, और AV सीरीज बहुत इसका ख़ास होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ख़ास चीज़ों पर काम करें ताकि कंप्लेन उसका ना हो और लोगों को ज़्यादा सहूलत दे सके, तो आपको ख़रीदने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह है इसका इनपुट जो है 360 वोल्ट से है, और 500 वोल्ट तक आप इसको वोल्ट दे सकते हैं, और PV इनपुट रेंज 90 से 450 है, यानी 2 सोलर अगर आप बड़े लगाएंगे 580 का तो ये इस पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो है फुल लोड MPPT जो है 360 से 450 तक ये MPPT पे फुल लोड होता है, और उसके बाद जो है इसके 2 MPPT लगे हुए 5400 के डबल MPPT है, हर एक को आप 5400 यानी 10-10 सोलर के 2 सीरीज आप लगा सकते हैं। और सोलर चार्जिंग करंट 160 एम्पीयर तक है, और ग्रिड आउटपुट ये आउटपुट जो देता है, ठीक है, बिजली जो देता है 220 से 230 वोल्ट तक देता है, और उसके अलावा फीड इन ग्रिड जो है 195 से 253 तक है, और फीड इन ग्रिड फ्रीक्वेंसी रेंज 49 से लेकर 51 तक है, और ये पावर फैक्टर उसका 0.99 है, यानी एक पूरा एक है। और उसके अलावा 2 आउटपुट लोड है, डबल आउटपुट है। इसका मेन लोड जो है वो उसका 3401 लोड है और 10,200 मेन लोड है। अगर आप चाहते हैं कि एक लोड उठाए तो 10,200 आप इसे लोड उठा सकते हैं, अगर डबल लोड में चाहते हैं तो फिर 3400 जो है अलग हो जाएगा, बाकी आपको अलग मिलेगा। AC आउटपुट का ऑप्शन भी सेम है जो इन्वर्टर्स में होते हैं, और ये 48 वोल्ट में है। तो इसका ये रिव्यू था और इसका तफसील था। अब इसके कीमत पे आते हैं, इसका कीमत जो है 2,50,000 रुपये का है, और इसमें जो है और मॉडल्स जब आएंगे उसका वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो साको सनानिको है उसका भी यही रेट है 2,50,000 रुपये, और 3.5 जो है वो 1,10,000 रुपये का है, जो ओरिजिनल चाइना पैक होते हैं। हमारे पास जो भी माल आता है वो ओरिजिनल वही का पैकिंग है, यहाँ पे हम खोलते हैं। तो
ये आपको चेक करके मिलेंगे। और इसके अलावा जो है और ब्रांड्स भी जो होते हैं हमारे पास, फिलहाल ही तक जो है क्रोन का तो इम्कान है 4.2 का किया जाए, और उसके अलावा जो है और माल नहीं आ सकता, वो ईद के बाद ही मिलेगा आपको। साको में 6.2 है, वो 1,50,000 रुपये तक आपको मिलेगा। और उसके अलावा जो है 4.2 साको का है, वो भी ईद के बाद लगेगा इंशाल्लाह। तो ये था इन्वर्टर्स का इंफॉर्मेशन आज के लिए, तो फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।